हेलो हाय नमस्कार। इस पर्सन ने आपकी एनर्जी से मैच करने की, आपकी एनर्जी से मैचअप करने की बहुत सारी कोशिश कर ली है। ये इंसान ने पैचअप करने का आपसे रिसेंट टाइम्स में कोशिश किया है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अब थोड़ा हद तक निराश है, क्योंकि यहाँ पर इसको हर बार की तरह इसका ही जो मैनिपुलेशन था, ये जो राइट राइट एंगल दिखा के आना और अच्छे सुखद भविष्य के सपने दिखा कर आना, वो सब शायद आप समझ पाए, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, आपको बहुत हाई लेवल मैनिपुलेशन आपके साथ करने की कोशिश की गई, लेकिन आपने स्मार्टली वहाँ से अपना रास्ता निकाल लिया, आप निकल गए, आपने नहीं उन इमोशंस को अपने इर्द गिर्द फटकने भी नहीं दिया। ठीक है, जो ड्रीम्स ये पर्सन आपको दिखा रहा था हर बार की तरह फेक ड्रीम्स, जो ये अच्छे सुखद भविष्य के जो सपने आपको दिखा रहा था, आपने वो देखना चूज़ ही नहीं किया। आपने वो वहाँ से आपने मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि बिल्कुल आपने डिनाई कर दिया, आपने नहीं देखा उस चीज़ को, आपने उसको नहीं किया एक्सेप्ट। ये जो कुछ भी ऑफर आपकी तरफ लेकर आया था और इसने आपको जो कुछ भी मैनिपुलेशन करने की कोशिश की, बट यू आर हेड स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल आप परेशान नहीं हुए, बल्कि आपके स्टेप ने इस इंसान को परेशान कर दिया। आपके लिए ये कोई मतलब ऐसा स्टेप नहीं था जो सोचा समझा था, बस आपकी इंस्टिंक्ट, आपने अपनी इंट्यूशन को सुना, एंड दिस टाइम योर इंट्यूशन टोल्ड यू नॉट टू एक्सेप्ट ऑल दिस रबिश अगेन। इस रबिश को अब अगेन आपने एक्सेप्ट नहीं करना है अपने लाइफ में, अदरवाइज आपकी जर्नी को ये फिर से बंदा अफेक्ट कर देगा, इसी टाइप की एनर्जी में आपको फिर से लेके चला जाएगा। एंड दिस टाइम जब वक्त रहते तुमने उस चीज़ की, उस रिश्ते की, उस भावना की कद्र नहीं की, उस फैमिली की कद्र नहीं की, उस रिलेशन को नर्चर नहीं किया आपने, गॉड गिफ्टेड आपको जो भी चीज़ें मिली थी, आपकी ब्लेसिंग्स थी जो, वो आपने तब उनको नहीं किया अंडरस्टैंड। तो अब जब आप अपनी लाइफ में खड़े हो गए हैं, उठ गए हैं, और एक वक्त ऐसा रहा होगा जहाँ पर आपको जीरो करके ये इंसान गया होगा, ठीक है ना, आपकी तरफ तो इसने देखना भी बेहतर नहीं समझा होगा, लेकिन अभी जब आप लाइफ में एक जगह पर हो, एक स्टैंड आपका मतलब आप खड़े हो चुके हो, अपने पैरों पर स्टैंड हो चुके हो, तो फिर अब आपको इनके आने का मतलब ही समझ नहीं आता, क्योंकि अब शायद इस रिश्ते की, इस रिलेशन की या इस कनेक्शन की आपको उतनी नीड ही नहीं रह गई है लाइफ में। ठीक है, तो ये जो एक इनका मैनिपुलेशन था, हाई लेवल मैनिपुलेशन आपके साथ हुआ था, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी को चूज़ किया, ठीक है ना, आपने इनके ऐसे ऑफर को ना देख के आपने अपनी इंट्यूशन को सुना, अपनी इंट्यूशन को ही आपने चुना और सुना, तो आप निकल भी गए उस चीज़ के अंदर से, आप फंसे नहीं उस चीज़ के अंदर, आप फंस नहीं पाए। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप था इस बार, और अगर आप इस बार इसमें जाते तो आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली थी। आप अपने आप को ये देखिए कि आप कहाँ पर आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं, जो छूट गया वहाँ पर आपको मुड़ के, वेरी गुड आप नहीं गए, लेकिन अब आगे भी आपको नहीं जाना है, अदरवाइज़ ये लव बॉम्बिंग जो आपके ऊपर हो रही है, ये आपको अगेन पिछली बार की तरह ना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाने वाली है, क्योंकि आप एक सेंसिटिव इंसान हो, आप एक एम्पैथ हो, और आपकी एनर्जी से खेलना ना, ये देखो यहाँ पर आपकी एनर्जी से खेलना ना इस पर्सन को एक तरह से इसका हॉबी बन गया है। ठीक है, इसको इसको ऐसा सपना दिखाना, लव बॉम्ब करना आपको, एंड फिर आपको ऐसे हालत में ले जाके छोड़ देना, ये इस पर्सन का कहीं ना कहीं पर एक हॉबी जैसा बन गया है। तो इसकी हॉबी को नर्चर करना, इसकी हॉबी को बढ़ावा देना, और इसकी ये बार बार इसके ये खेल तमाशे, इसके इसके ड्रामा में ना जाके आपने अच्छा किया, ये अगेन एक ड्रामा खेला जा रहा था आपके साथ, और ये होता है नार्सिसिस्ट कार्मिक आपके साथ ड्रामा करते हैं अगेन एंड अगेन। ये पर्सन जो कोई भी हो, आपने नहीं जाकर ये एक समझदारी भरा स्टेप लिया, ठीक है, आप उसके लिए बधाई के हकदार हो। आगे भी इसी तरह से आपको अपनी इंट्यूशन को ही सुनना है, अपनी इंट्यूशन को ही फॉलो करना है, और आपको वो देखना है जो आपके पास है, बजाय वो देखने के कि जो आपसे छूट गया है,
मुड़कर देखते रहेंगे ना तो हमेशा एक पछतावा तो किसी भी चीज़ पर आपको आता ही रहेगा। ठीक है, लाइफ गोज ऑन, लाइफ हमेशा आगे चलती है, सो आपकी लाइफ भी आगे ही चलनी चाहिए। कभी भी वहाँ पर मुड़कर जाने का बैक कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है ना।